Please watch this video till the end, subscribe to my channel and also click on the bell. Bismillahirrahmanirrahim. Dosto, assalamu alaikum. Hamari is video ka naam hai Visit Visa Lene Ka Tarika Part 2. Is video mein hum visa ki requirement ke matalik zikr karenge taaki aapko visa lene mein aasani ho. Aap ye panga ya step kyun lena chahte hain, kudrati amal hai. बेटरमेंट ऑफ लाइफ, याद रखें दरख्वास्त गुजार का पूरा बायोडाटा और हालात और वाक़यात का जिक्र करना होगा, वीज़े का प्लान बताना होगा. अब मैं आपको वीज़े के मतलब एक मिसाल देना चाहता हूं कि वीज़ा क्या है. आप रात को खाना खाते हुए अपनी फैमिली में ये बात कह दें कि मैं कल सुबह मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, ये सुनते ही वो चौंक जाएंगे और खाना छोड़ देंगे और सवाल करेंगे कि आप क्यों, कहाँ, कब, किसके पास जाना है, आप कहाँ ठहरेंगे, कितनी देर ठहरेंगे और एयरपोर्ट पर कौन लेने आएगा और क्या जाने का खर्चे का बंदोबस्त है. तो दोस्तों, ये वीज़े की वजूहात और रिक्वायरमेंट हैं जिनको आपने पूरा करना है. डॉक्यूमेंट्री सबूत साथ देने होंगे, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, रहने की जगह, एयर टिकट, वीज़ा फीस और अपने कवरिंग लेटर में ट्रेवलिंग रीजन और जस्टिफिकेशन और प्रिकॉशन से आगाह करना है. पैसे कहाँ से आते हैं, क्योंकि किसी भी कैश की कोई हैसियत नहीं जितनी देर तक इस कैश का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ना हो. लिहाजा जो कुछ भी आप साथ दें, आपके कागजात को बोलना चाहिए. कारोबारी हजरात को अपने पिछले 2-3 साल के इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट भी साथ देने होंगे. अगर आपने पहले जिस मुल्क का आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ओवरस्टे किया, तो उस मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने की कोई वजह नहीं बनती. आप बाहर जाने के लिए हमेशा एडवांस प्लानिंग करें. याद रखें वीज़ा ऑफिसर बहुत ट्रेंड होते हैं, इसलिए आप अपने वीज़े के पूरे डॉक्यूमेंट जो वेरीफाइएबल हों साथ दें. अपने कवरिंग लेटर में पूरी तफसील के साथ कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कब जाना है, कितनी देर ठहरना है, किसको मिलने जाना है बयान करें. और अगर आप किसी अजीज को मिलने जा रहे हैं तो सैर व सियाहत के लिए भी कई जगहों का नाम लिखें जो आप देखना चाहते हैं. इस तरह वीज़ा ऑफिसर को यकीन हो जाएगा कि आप एडवांस प्लानिंग के साथ बाहर जाना चाहते हैं. आपको पूरी तरह से जस्टिफिकेशन और बजट की डिटेल भी देना होगी. ये भी बताना होगा कि पिछले 10 सालों के अंदर अंदर कौन कौन से मुल्क आपने विजिट किए हैं. आपको 6 महीने तक किसी मुल्क में नहीं ठहरना चाहिए, चाहे आपका वीज़ा 6 महीने, 2 साल, 5 साल या 10 साल का क्यों ना हो. जैसा कि आपने अपने फार्म में प्रोग्राम का जिक्र करना है, इसके मुताबिक अपने बजट और विजिट प्लान पर अमल करें, वरना आइंदा आपको वीज़ा लेने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा. बिजनेस पर जाने वाले लोगों को किसी सूरत में भी अपने प्रोग्राम से ज़्यादा नहीं ठहरना चाहिए और जिस जगह जाना है उसके नज़दीकी एयरपोर्ट पर सफ़र करें. अगर किसी और सिटी या स्टेट में जाएंगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपका वीज़ा रिफ्यूज करके वापस डिपोर्ट भी कर सकता है. अगर आपके पहले पासपोर्ट गुम हो चुके हैं तो ये भी कोई अच्छा वीज़ा लेने का इम्प्रेशन नहीं है. आपने अपने कवरिंग लेटर में पूरी तरह से बाहर जाने की वजह और जस्टिफिकेशन बयान करनी होगी और साथ डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी देनी होगी. लेटर एक पेज पर होना चाहिए और डॉक्यूमेंट की लिस्ट अगर दूसरे पेज पर चली जाए तो कोई हर्ज नहीं. याद रखें अगर आपका स्पॉन्सर बाहर से है तो एम्बेसी वाले इससे राबता करेंगे, अगर उसने फ़ोन ना सुना तो वीज़ा रिफ्यूज हो जाएगा. आपके दिए हुए डॉक्यूमेंट भी एम्बेसी वेरीफाई कर सकती है, लिहाजा कोई झूठा डॉक्यूमेंट साथ ना दें. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को भी आसानी से देख सकें. हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें. शुक्रिया. खुदा. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल.